शुक्रवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। भारत ने न सिर्फ रायपुर मैच जीता बल्कि सीरीज में अजय बढ़त भी बना ली है। 5 मैचों की सीरीज में अब टीम इंडिया 3-1 से आगे है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना दिया है। दरअसल भारत अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाला देश बन गया है। इस रिकॉर्ड पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इस मैच में आखिर हुआ क्या। मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के साथ हुई थी। टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 174 रन बोर्ड पर लगाए। ओपनर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 37 रन देखने को मिले, जबकि पिछले मैच में शतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 रनों का योगदान दिया। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने भी अच्छी पारी खेली, उन्होंने 19 गेंदों पर 35 रन बनाए, जबकि एक बार फिर से रिंकू सिंह का जलवा देखने को मिला। रिंकू ने मात्र 29 गेंदों पर 46 रनों का अहम योगदान दिया। कंगारू टीम के सामने सीरीज बराबरी करने के लिए 175 रनों का लक्ष्य था, लेकिन टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 154 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मैथ्यू वेड ने 23 गेंदों पर नापाक 36 रन बनाए। टीम इंडिया की जीत में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 3 विकेट चटकाए, जबकि कमबैक करने वाले तेज गेंदबाज दीपक चाहर के खाते में 2 विकेट आए। टीम इंडिया ने अंत में यह मुकाबला 20 रनों से जीतकर अपने नाम किया और 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त भी बना ली है। अब सीरीज का अंतिम मुकाबला 3 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि रायपुर में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास भी रच दिया। दरअसल टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है। फटाफट फॉर्मेट में भारतीय टीम की ये 136वीं जीत रही। इस मामले में टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान ने अब तक 135 मुकाबले जीते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर कीवी टीम का नाम आता है। न्यूजीलैंड ने 200 मुकाबले खेले हैं और 102 में जीत दर्ज की है। साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पर है, जिन्होंने T20I में 95 जीत दर्ज की है। एक अन्य रिकॉर्ड की बात की जाए तो T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की ये लगातार 14वीं सीरीज जीत है। भारत ने पिछली 14 सीरीज में एक भी सीरीज नहीं गंवाई है। 2019 के बाद से टीम इंडिया ने जितनी भी टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली हैं, सभी में जीत का स्वाद चखा है। ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ये लगातार 4थी टी20 सीरीज विन है। एक अन्य रिकॉर्ड की बात की जाए तो मैच में अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। ये चौथा मौका है जब अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। टीम इंडिया ने रायपुर में मिली जीत के साथ ही वाकई में बड़ा इतिहास रच दिया है। अब रायपुर में मिली जीत कोई मामूली जीत नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत है। टीम इंडिया की जीत और टीम इंडिया के इतने बड़े रिकॉर्ड पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।